है, कई बार पढ़ा चुका मैं इसको और इस पे वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं भाई। तो ये हमारे जो 10 ईयर्स, तो इसमें कुछ अलग चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में है। तो ये बच्चों को लेकर हमने जो पोस्ट को सेक्सुअल जो एब्यूजिंग के बनाने के लिए 14 नवंबर 2012 को एक नया कानून पारित किया था, उसमें जो उसे हम पोस्ट को कहते हैं, जो 2012 से 2022 तक 10 साल हो गए हैं, और 10 साल के बाद जो इसमें एक निधि फाउंडेशन है, इसमें इसकी स्टडी किया है कि पोस्ट को के आने के बाद जो भारत में किस तरह के बदलाव हुए हैं या क्या नहीं बदला, उस चीज़ के बारे में भी देखा है जो हमारा जो आज का ये जो लेक्चर है। तो ये भारत में जो पोस्ट को एक्ट है तो बनाए जाने के बाद उसमें जो लगभग जो एक साल में जो ये केस डिस्पोज हो जाने चाहिए अभी तक, लेकिन भारत में जो एक भी एक के जो केस डिस्पोज होने में लगभग जो 510 के दिन के आसपास समय लग रहा है। अब जो कुछ राज्यों में जैसे चंडीगढ़ हो गए, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे काम जल्दी हो रहा है, लगभग जो एक साल में ये केस डिस्पोज हो रहे हैं। ये कारण जो क्या है, उन्होंने कारण बताया कि फॉरेंसिक जो डाटा है वो वहाँ से डाटा नहीं आता फॉरेंसिक लैब से, वो पुलिस टीम है जो इन्वेस्टिगेट करती है वो सही से नहीं कर पाती, जल्दी नहीं कर पाती, उसमें टाइम लगाती है। तो ये देखो क्या है, देखो जल्दी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, जल्दी क्या है इससे रिलेटेड क्या। अच्छा क्या कारण है कि जो कानून ये बनाना पड़ा इसके लिए देख लेते हैं। 1990 में जो गोवा एक चाइल्ड सेक्स रैकेट हुआ था, बस्ट हुआ था, और इसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो वी आर कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में 2012 में एक जो स्टडी कानून बनाया था, एक जो कानून बनाया इसमें जो लगभग भारत में कितनी कोर्ट है भाई, 408 कोर्ट है, तो भाई जल्दी से नंबर नहीं आ पाता। तो बच्चों को जो एक तरह से जो सपोर्ट पर्सन दिया जाता है इसमें, जो जैसे देखे माँ बाप जब जिसके साथ से जो सेक्सुअल एब्यूज हो गया तो माँ बाप भी वही साथ में आते हैं और भी डरते हैं इस वजह से, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा आजकल एक बच्चे जो दिया जाता है। जो सरकारी वकील है पोस्को के लिए, वो सरकारी वकील लिया तो है ही नहीं, और यह है भी तो वो किसी और काम में लगे हुए हैं, तो ये भी देखो देर होने का कारण है। अपने आप में सोचा होगा कि जो गर्ल्स है, आपने सोचा होगा अच्छा गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है, गर्ल्स के साथ नहीं है कि बॉयज के साथ जाता है, बॉयज बच्चे हैं उनके साथ ज्यादा होता है, तो गर्ल्स की तुलना में बॉयज की तुलना में ज्यादा हुआ है, ये भी एक जो स्टडी है जो सर्वे आया उसके प्रक्रिया उसके बाद पता चला है। तो दीज काइंड्स ऑफ द थिंग्स रेगुलेटर्स ऑफ द आंसर, तो ये जो सारी जो थिंग्स है ना आपके जो आंसर रेट लिखने के लिए काफी है, जो पोस्को एक्ट काफी आता है चर्चा में बहुत ज्यादा है, लिख सकते हैं हम। तो पोस्को कानून बनाने के बाद जो इतने सारे चाइल्ड जो अब्यूज क्यों हुए हैं, तो ये अपने आप में लिख सकते हैं। तो 10 ईयर द पोस्को एनालिसिस द इंडिया द लैंडमार्क द चाइल्ड अब्यूज लॉ, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में रखेंगे, इससे वेलफेयर द स्कीम एंड द वेन्यूवल्स सेक्शंस एंड द पॉपुलेशन वायर द सेंट्रल स्टेट एंड द परफॉर्म दीज आर द स्कीम्स 10 ईयर्स ऑफ द पोस्को। तो 10 ईयर आफ्टर द इन्वेस्टमेंट ऑफ पोस्को एक्ट विच इज द डिलेज ड्यूल्स स्पेसिफाई द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एट द गेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। पोस्को अधिनियम के लागू होने के बाद जो विशेष रूप से बाल यौन शोषण से संबंधित उसमें क्रियान में कमी आई है। ए डिकेड्स ऑफ द पोस्को वाज द कैरिड आउट द जस्टिस द एक्सेस एंड द लर्निंग डिले ऑफ द जल्दी एंड इनोवेटिव ऑफ द विधि सेंटर एंड द लीगल विधि जो पॉलिसी एंड द कोलैबोरेशन विद द डाटा एविडेंस ऑफ जस्टिस फ्रॉम द ज्यूर ऑफ प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक। तो ये हमारा पोस्को एक्ट जो अधिनियम के लागू होने के बाद जो 10 साल बाद जो विशेष रूप से बाल शोषण के संबंधित है ये क्रियान्वयन में कमी आई है। पोस्को एक दशक में विश्व बैंक के डाटा और जो एविडेंस और जस्टिस रिफॉर्म डीओ ज्यूरी के कार्यक्रम के सहयोग से सेंटर फॉर द लीगल प्राइवेसी जस्टिस एक्सेस ऑफ द लोअर जो डिलेज इन जो इंडिया जल्दी के द्वारा लागू किया गया है किया था। इट इज द एनालाइज द टोटल जो लगभग जो हमारा जो 230070 केसेस फ्रॉम द 46 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जो 486 डिस्ट्रिक्ट में स्पेनिंग्स तो हमारा 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ये हमारा 2012 फरवरी 2021 इसमें जो है 2012 से तो फरवरी 2021 तक 28 राज्य और जो केंद्र शासित राज्यों में 486 जो जिलों में जो ये हमारा 230070 जो मामले जो विश्लेषण किया है जिसमें जो केस लॉज ऑफ द पॉलिसी इन्वेस्टर्स एंड द केस ऑफ द जो मेटा डाटा was the collected and the e-courts and the digital platform and the give the information of pending the cases the court of the order. The case ke kanun ne unnitigat stack se aur jo meta data aur e-courts ke ekit kiya gaya tha jisme jo digital platform ke lambit mamle aur adalit adeshon adi ka jo jankari deta hai. To what is the postco kya hai? In September 2010 the Ministry of the Women and Child prepared the draft of Protection Child and the Sexual Offences Bill 2010. सितंबर 2010 में महिला बाल विकास मंत्रालय यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण विधेयक 2010 की मसौदा तैयार किया है। आफ्टर द सर्वल्स राउंड्स ऑफ द रिविजन्स ऑफ द कम आउट द फोर्स ऑफ द पोस्को एक्ट चाइल्ड एंड चिल्ड्रन डे 14 नवंबर
नवंबर 2012। तो इस दायरे के लिए संशोधन के बाद जो जो है जो बाल दिवस 14 नवंबर 2012 को पोस्को अधिनियम के रूप में लागू हुआ। एज ऑफ द 2022 408 पोस्को कोड्स हैव द हैज बीन द सेट ऑफ द 28 स्टेट एंड द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट टैग स्पेशल कोर्ट स्कीम। 2022 तक सरकार द्वारा फर्स्ट टैग स्पेशल कोर्ट जो के तहत जो 28 राज्यों में 408 पोस्को कोर्ट स्थापित किए गए हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन द 1990 द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रैकेट द अब्यूज द गोवा एंड द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इन हेस्टेड एयर द लॉ ऑफ द प्रमोट चाइल्ड द राइट्स ऑफ 2003। 1990 के दशक में गोवा में एक बाल शोषण जो बाल शोषण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसका बाद जो यह जो राज्य सरकार द्वारा 2003 में बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया है। द स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी अंडर द जस्टिस वी के कृष्णा अय्यर द प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट कोर्स ऑफ द चाइल्ड राइट्स इंडिया द चिल्ड्रन कोर्ट्स बिल 2000। तो ये दीज आर द इनिटिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द डेडिकेटेड लेजिस्लेटिव अगेंस्ट द सेक्सुअल अब्यूज। ये हमारा जो है न्यायमूर्ति वी एस कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में विशेष रूप से समिति ने भारत के जो बाल अधिकारों के लिए एक मसूदे कोड बाल संहिता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया। इन दोनों पहलों के यौन शोषण के खिलाफ जो समर्पित कानून का आधार स्थापित किया गया। और इन 2005 द डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट द ड्राफ्ट विल एड्रेस द डिफरेंट ऑफ द टारगेटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन। 2005 में महिला और बाल विकास विभाग के जो खिलाफ जो लक्षित जो विभिन्न प्रकार के अपराध संबोधित करने के लिए एक मसूदा तैयार किया गया है। ऑफ क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या है, तो न्याय की गुणवत्ता क्या है। द स्टडी ऑफ हैज बीन द फाउंड एवरेज ऑफ टेक्स 509.78 के निर्धारित किया गया है कि जो ऐसे मामलों में एक वर्ष से वेतन तो निपटने की आवश्यकता है कि एक साल में निपटो इससे कैसे निपटो। The pendency of Jahmarak Postco was the cases of the increasing the gradually over the year. Postco मामलों की लंबित जो जितने भी पिछले धीरे धीरे जो बढ़ रही है। The one of the primary reason this is the slow and the pace of the investigation by the police and the delay the disposing of the forensic schemes and laboratories. इसका प्रमुख कारण जो पुलिस द्वारा जांची गई धीमी गति और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नमूने में जमा करने में देरी है। अब जो टोटल था ए टोटल ऑफ द 22.76 द केसेस ऑफ द डिस्पोज द वर्च्यू आफ्टर ट्रांसफर द कोर्ट ऑफ द अनदर। कुल जो निपटारा जो है कुल जो है 22.76 मामलों का निपटारा एक अदालत की दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने पर दायर किया गया है। द 1/5 दीज आर द केसेस आर दिस आर द डेटाबेस इन द ट्रांसफर। इस डेटाबेस के लिए 1/5 मामलों में धन स्थापित जो समाप्त किया गया है। दिल्ली हैज द हाई कोर्ट नंबर ऑफ द पोस्ट कोर्ट ट्रायल्स द कंट्री ऑफ द 3.54 द केसेस लगभग जो 1 लाख जो पॉपुलेशन इन 2018। दिल्ली जो है 2018 में जो जो हमारा 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 13.54 मामले को देश में सबसे अधिक पोस्ट को कनेक्शन किए हैं। चंडीगढ़ वाज द वेस्ट बंगाल एनली ऑल द स्टेट वेयर आर द टाइम टू टेक तक ये इस तरह का जो जिन्होंने सबसे पहले जो टाइम पे निपटा दिया। चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल ने ऐसी राज्य हैं जिन्होंने दोष सिद्ध होने पर जो औसत समय पर एक साल में वेतन में इसको सोल्व कर दिया। स्टेट लाइक द छत्तीसगढ़ हरियाणा केरला सिक्किम चंडीगढ़ एंड द एनसीटी दिल्ली हैव द हाईएस्ट रिपोर्टिंग ऑफ द पोस्टल केसेस। ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ हरियाणा केरल सिक्किम चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो पोस्टल के मामले जो रिपोर्टिंग बहुत अधिक है। अच्छा गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन में अंतराल क्यों है। सपोर्ट द प्रोसेस सपोर्ट पर्संस आर नॉट बीइंग द अपॉइंटमेंट एट द पोस्को केस। अधिकांश पोस्को केस में जो मामले में सहयोगी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैड देन नोटिस द 896 केसेस ऑफ द सपोर्ट पर्सन एंड नॉट प्रोवाइडेड द विक्टिम। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो 96% मामलों में पीड़िता को कोई भी जो सहायक व्यक्ति पर जो उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसमें ए सपोर्ट पर्सन इज सपोर्ट मेटर मे बी द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से वर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन से वर्क कर सकता है काम करने वाले व्यक्ति संगठन हो सकता है। ही हैज बीन ही सी द ऑफिशियल चिल्ड्रन एंड द शेल्टर ऑफ द हैविंग द कस्टडी चिल्ड्रन एंड द एम्प्लॉय बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डी सी पी यू एंड द हेड ऑफ होल्ड
द विक्टिम थ्रू द लीगल प्रोसेस। तो ये बाल संरक्षण गृहसरण और जो अधिकारी ये बच्चे की जो अभिरक्षा होती है जिसे जिला बाल जो संरक्षण इकाई DCP द्वारा जो नियोजित होता है जिसे पूरी तरह कानून प्रक्रिया को दौरान पीड़िता को जो संभालना है। तो पोस्ट को कोर्ट है नोट बीन द डिजाइन ऑल द ऑल डिस्ट्रिक्ट पोस्ट को अदालत को की जिलों के लिए नियमित नहीं किया गया है। देयर आर द लैक ऑफ द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड ऑफ द स्पेशली द पोस्ट को केसेस। पोस्ट को मामलों में संभालने के लिए विशेष रूप से नियुक्त लोक अजाय को अभियोजकों को की कमी है। इवन द दे आर द अपॉइंटेड दे हैव एम्प्लॉयड द नॉन पोस्ट को केसेस। यहाँ तक कि जो उन्हें नियुक्त किया जाता है कि उन्हें जो अक्सर पोस्ट को मामलों के लिए नियोजित किया जाता है। की फैक्ट देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द चाइल्ड अब्यूज 2007 रिपोर्ट रेगुलेटर ऑफ द मिनिस्ट्री वुमन एंड डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड जो चाइल्ड अब्यूज 2007 महिला और जो विकास मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इट हैव कवर द 13 स्टेट्स विद इन द सैंपल साइज जो हमारा जो 12,447 चिल्ड्रन और जो ये इसमें है जो हमारा 324 यंग एंड द एडल्ट हमारा 2,449। द स्टेक होल्डर्स एंड चिल्ड्रन आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड अब्यूज। यह जो है 12,447 बच्चे और 2,324 युवा वयस्कों के और जो 2,449 बच्चों हितकारियों के समूह के आकार के साथ जो 13 राज्यों के कवर कर रहा है। बाल शोषण के विभिन्न रूप में देखा गया है इसमें। इफ द फाउंड ऑफ द 50.76 पर चिल्ड्रन और द सर्व्ड रिपोर्ट एंड द हैविंग द फर्स्ट वन ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज इसे पाया गया है संरक्षण में पाया गया है कि जो 50.56 बच्चों को एक नया अधिकार जो शोषण को सामना करने की सूचना दी गई है। तो कॉन्ट्रेरी ऑफ द रेगुलरी ऑफ प्रोटेक्शन दे आ रहा था ओवरऑल द परसेंटेज बॉयज आर रिपोर्टिंग द एक्सपीरियंसिंग सेक्सुअल अब्यूजिंग दम हायर देन आर द गर्ल्स। उस समय जो सावधारणा के विपरीत जो यौन शोषण के मामले में करने लड़कों को जो समग्र जो प्रतिशत लड़कियों की तुलना में अधिक पाया गया है इसमें। अच्छा रिलेटेड सर्च में देखना है द फास्ट ट्रैक एंड स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल जो न्यायालय की जो योजना क्या है और जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखना है हमको द अबाउट द पोस्ट को एक्ट 2012 क्या है भाई की फीचर क्या है क्या है क्वालिटी ऑफ द जस्टिस ऑफ पोस्ट को क्या है व्हाट इज द गैप्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्या है एडिट द प्रोविजन 2019 अमेंडमेंट और जो सेक्शन 7 ऑफ द पोस्ट को। तो प्रीलिम स्पेसिफिक देखते हैं भाई जो पोस्ट को अधिनियम 2012 के बारे में अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है पोस्ट को नया गुणवत्ता क्या है किन में क्या कमियां हैं 2019 में संशोधन में जोड़े गए प्रावधान क्या है पोस्ट की धारा जो हमारी जो 71 जो ये क्या है इसके बारे में देखना है। तो ये अच्छा यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द रिगार्डिंग द पोस्को एक्ट जो 2012 सेक्शन 15 एंड द पोस्को एक्ट जो 2012 डील्स द पनिशमेंट स्टोरेज एंड द पोर्नोग्राफी जो मटेरियल्स इन द इंडिविजुअल चाइल्ड। सेकंड हमारा जो है इन्वॉल्विंग द चाइल्ड और जो सेक्शन 4 आर द पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ द प्रिवेंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। थर्ड है हमारा जो है सेक्शन 7 एंड द पोस्को एक्ट 2012 डील्स द सेक्सुअल इंटेंट ऑफ द इन्वॉल्व्स द फिजिकल कंटेंट ऑफ विदाउट द प्रोटेक्शन। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट कोड तो फर्स्ट वन और टू सेकंड ओनली टू सेकंड थर्ड हमारा जो वन और थ्री डी हमारा नन ऑफ अबव। तो भाई इसमें हमारा जो आ जाएगा इसके देख लेते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर है। पोस्को अधिनियम 2012 के अनुसार जो कथनों को विचार कीजिए पोस्ट